मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। सुनिया गलियां दे विच रोलना। चैनल माय नेम इज डॉक्टर पूजा और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। इट विल बी मीन अ लॉट टू मी एंड मेरे अगले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगे। सो नाउ लेट्स कमिंग टुडेज वीडियो। आज हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं नोरा फतेही लुक पछताओगे फीमेल वर्जन। अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो तो आई लिंक इट डाउन एंड ये लुक काफ़ी सिंपल एंड एलिगेंट है एंड वेरी यू नो हार्ट ब्रोकन एंड वेरी आउट देयर काइंड ऑफ लुक। सो ये लुक क्रिएट करने में मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट इज़ ऑल ड्यूई एंड एवरीथिंग एज आई एम डन यू कैन सी। एंड ये लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई एम प्रिपेयरिंग माई आईब्रोज। सो आई एम हेयर टेकिंग शुगर का आईब्रो पेंसिल एंड इस तरह से मैं पहले आईब्रोज को शेप दूंगी। धीरे धीरे करके मैं ये जो गैप्स है वहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँगी। आगे के पोर्शन में थोड़ा सा कम ही फिल करेंगे, हम लाइट रखेंगे और जो लाइट एंड पोर्शन होता है ब्राउज का उसे हम अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद उसी से स्पूली से मैं उसे ब्रश कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं ब्राउ पोमेड लूँगी, लॉरियल पैरिस का ब्राउ पोमेड है और इससे मैं थोड़ा एंड के साइड पर थोड़ा और डार्क फिल करूँगी आईब्रोज। और जो स्टार्ट पॉइंट है उसमें हल्के हल्के सिर्फ स्ट्रोक दे दूँगी। वन ब्राउ मेरी कंप्लीट हो गई। सेम वाइज मैं सेकेंड ब्राउ भी वैसे ही प्रिपेयर करूँगी। एंड पॉइंट्स मार्क करिए, उसके बाद उसे फिल करिए एंड उसके बाद आप उसे डार्कन अप करिए बाय पोमेड एंड एवरीथिंग एंड स्पूली की हेल्प से धीरे धीरे उसे ब्रश कर देंगे। सो एज यू कैन सी मेरा बेसिक फिलिंग हो गया है। माय आईब्रोज आर डन एंड नेक्स्ट आई एम क्लीनिंग माय आईब्रोज विद दिस एलिगर्ल कंसीलर। इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें ब्रश आता है और उससे इजीली ये काम हो जाता है। आई रियली लाइक दिस टेक्निक एंड इससे आपकी ब्राउज और भी क्लीन दिखती है। इफ़ यू हैव थिन ब्राउज सो ट्राई टू डू दिस। इफ़ यू हैव बिग नाइस मेकअप लुक, जब हैवी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं तब ये ट्रिक बहुत काम आता है। मैं सेम कंसीलर आँखों पर भी लगा लूँगी। आई एम यूजिंग द सेम कंसीलर ऑन द आईज एज वेल एंड धीरे धीरे मैं इसे वेट ब्यूटी स्पंज के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। लाइकवाइज हमें सिर्फ टैप करते जाना है एंड ये ऑटोमेटिक ब्लेंड होते जाता है। सो दिस इज़ हाउ विल कार्व आर ब्राउज एंड इससे बिल्कुल एक स्नैच्ड आईब्रो लुक मिल जाता है इंस्टेंटली। सेम वाइज अदर साइड। सो आई एम डन विद माई ब्राउज। नेक्स्ट टाइम यूजिंग माई माई ग्लैम प्राइमर। दिस इज़ रियली नाइस ग्लॉसी प्राइमर। क्योंकि ये ग्लॉसी लुक है तो इसके लिए प्राइमर बिल्कुल परफेक्ट है एंड ये फाइन लाइन्स को भी बहुत अच्छे से फिलअप कर देता है। दिस इज़ रियली नाइस प्राइमर एंड इट गिव्स रियली नाइस ड्यूई लुक एज वेल। सो या आई एम डन विद माई प्राइमर एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ आर फाउंडेशंस। बट उसके भी पहले मैं एक स्टेप करूँगी। ये जो मना कदार का मेरा ग्लो इल्यूमिनेटर है इसे मैं मेरे हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी, लाइक माय चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो एंड लिटिल बिट ऑफ चिन। सबसे पहले मैं इन्हें अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल और ब्रश वॉट एवर एंड इससे हम प्रीवियसली थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो ग्लोई लुक है ये इसी से और ज़्यादा बिल्टअप होगा। सो मैं मेरे फाउंडेशन में भी ये ग्लो इल्यूमिनेटर मिक्स करने वाली हूँ। और लाइकवाइज मैंने इसे मेरे शोल्डर कॉलर बोन पे भी अप्लाई कर लिया है जिससे हमें एक टोटल स्नैच लुक मिलता है। इफ़ यू आर यूजिंग ओपन चोलीज और ओपन लेग देन दिस इज़ रियली हेल्पफुल। अभी मैंने मेरे तीनों फाउंडेशन एंड एल्यूमिनेटर मिक्स करके लगा के आई एम ब्लेंडिंग ऑल ओवर माई फेस। हल्के हल्के हाथों से डैप करते हुए हमें ब्लेंड करना है। धीरे धीरे ये पूरा एक यूनिसन में ब्लेंड हो जाता है
मैंने शेड्स मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट माई शेड एज वेल. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग कंसीलर. दिस इज़ हाउ आई एम अप्लाइंग माई कंसीलर एट द स्टार्ट ऑफ द आई एंड एंड ऑफ द आई. हम फुल नहीं पैक करेंगे. आई एम शोइंग यू दिस अनदर टेक्निक जिसमें हम थोड़ा ही कंसीलर यूज़ कर रहे हैं. वी डोंट नीड मच ऑफ अ कंसीलर. जितने लेस प्रोडक्ट्स हो उतना ज़्यादा नेचुरल लुक दिखेगा. इट विल लुक लाइक मोर ऑफ केकी डेफिनेटली, बट जितना कम प्रोडक्ट हो उतना कम प्रोडक्ट यूज़ करिए. एंड नाउ विल स्टार्ट ब्लेंडिंग अगेन विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड स्लोली स्लोली बाय डैबिंग वी विल ब्लेंड एवरीथिंग आउट परफेक्टली. टेक योर टाइम गाइज, डू इट. जितना आराम से आप ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा आपका बेस सेट होता है. नेक्स्ट मैं थोड़ा हाइलाइटिंग कंसीलर ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी, और इस तरह से मैंने अगेन अप्लाई कर लिया है. एंड नाउ स्लोली आई एम बिल्डिंग अप. ये क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही ली है क्योंकि ऑलरेडी मेरा कवरेज हो चुका है. सो ये सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स है. जब हम थोड़ा शेप देंगे फेस को तो ये ओनली दिस पॉइंट्स विल गेट मोर हाइलाइटेड. सो इससे स्ट्रक्चर आ जाता है फेस में. Likewise, I'm blending all over. And now I'm setting all of this immediately with my powder. I'm using Maybelline Fit Me powder. उसी same sponge की help से I am just picking up the powder, dropping off the excess and then patting into my skin slowly, nicely, जहाँ जहाँ पे concealer and specially my T-zone. I'm not applying all over my face. I'm just applying to the T-zone और जहाँ जहाँ मैंने concealer लगाया है. एक है ब्लेंडिंग करने से पहले, पाउडर लगाने से पहले अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो प्लीज़ ब्लेंड योर कंसीलर फर्स्ट एंड देन अप्लाई द पाउडर. नाउ एक ब्रश की मदद से मैं आईज़ का पाउडर क्लीन कर लूँगी क्योंकि पहले हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट टाइम मूविंग टुवर्ड्स माय आई मेकअप. इस मेकअप में बिल्कुल सटल मेकअप है नौरा का. सो हम ओनली एक कलर देने के लिए, एक नेचुरल फ्लश देने के लिए आई एम यूजिंग दिस कोरल कलर्स. यू कैन यूज़ एनी कोरल, मीडियम ब्राउन और लिटिल बिट कोरल शेड्स ऑन योर आईज, बट मैट शेड्स ओनली. एंड आई एम अप्लाइंग ऑल ओवर माय आई सो दैट माय आई विल लुक मोर यू नो लाइफ. एंड ऐसे ऑल ओवर द आईज एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से हम इसे अप्लाई कर लेंगे. Blending is very important. Take your time and blend everything super nicely. Don't, you know, hesitate and don't do it in hurry when you want to create nice looks. Take your time, give your time for blending. Next time to using a pencil brush and same उसी shade मैं lower eye पे भी apply कर रही हूँ. ये एक ट्रिक है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं यूज़ करती हूँ. और मैं सिर्फ थोड़ा सा आउटर आई की तरफ ही फोकस कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग मोर टुवर्ड्स माय इनर कॉर्नर. मैं थोड़ा सा इसे आउटर कॉर्नर पे ही. सो आईज़ विल लुक मोर ओपन अप, ब्राइट एंड स्नैच्ड, यू नो. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दीज टू कलर्स, थोड़े से डार्क है एंड इससे मैं मेरा थोड़ा सा क्रीज डीपन अप कर रही हूँ एंड थोड़ा सा आउटर आई एरिया. ऐसे ही मैं यूज़ करते हुए धीरे धीरे ब्लेंड करते जाऊंगी. एज यू कैन सी हम इसे आउटर कॉर्नर पे मोस्टली लगाने वाले हैं. एंड कहीं पे अगर आपको गैप्स दिखे तो सेम कलर से आप फ्लश कर लो. उसके बाद हम अगेन ब्लेंडिंग करेंगे. एवरी टाइम आई अप्लाई द कलर शेड आई ब्लेंड इट प्रॉपरली. ब्लेंडिंग इज़ द की. आई वॉन्ट यू टू गाइज फोकस ऑन ब्लेंडिंग. या सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस नाइस वाइट गोल्ड कलर, वेरी सटल हाईलाइट. आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे और थोड़ा सा आपकी आईज ओपन अप हो जाती है, पॉप अप हो जाती है. सेम आई एम यूजिंग ऑन माई ब्रा बोन एज वेल लिटिल बिट. एंड या लाइट कलर. अगेन आई एम यूजिंग काजल. दिस इज़ माई ग्लैम का काजल. एंड अगेन आई एम टाइट लाइनिंग माई आई ओनली टुवर्ड्स आउटर कॉर्नर, नॉट इन इनर कॉर्नर. आई एम जस्ट टाइट लाइनिंग ओनली इन आउटर कॉर्नर. एंड मैं धीरे धीरे उसी सेम ब्रश, सेम काजल जो एंड पे लगाया है उसे थोड़ा सा हल्का सा स्मच कर लेंगे, ओनली लाइट. एंड देन आई एम कर्लिंग माई लैशेज. यू कैन यूज़ एनी लैश मश कलर. एंड यूज़ लैश कलर अगर आपके स्ट्रेट, मेरे जैसे स्ट्रेट लैशेज है
तो आप प्लीज़ कर्लर यूज़ करो, इससे बहुत अच्छा लिफ्ट हो जाता है, आईज़ ओपन हो जाती है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप. नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई लॉरियल पैरिस का मस्कारा. इसमें दो आते हैं, एक ये है प्राइमो जो मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ. इससे आपकी लेंथ अच्छे से बिल्टअप हो जाती है एंड देन टूवर्ड्स मस्कारा साइड उससे आप अच्छे से मस्कारा कोट कर लो एंड अप्लाई अगेन. टेक योर टाइम, अप्लाई नाइसली. सो या एंड आई एम डन. नाउ आई एम डस्टिंग ऑफ द एक्सेस पाउडर. इट इज़ नाउ प्रॉपरली बेक्ड एंड वी विल डस्ट ऑफ एवरी पाउडरी थिंग. स्टिल अ बिट पाउडरी एंड लिटिल बिट हम लोअर लैश पे अप्लाई करेंगे. ये मेरा मेबेलिन कोलोसल का मस्कारा है. इट इज़ रियली वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा जो मुझे लोअर लैशेज पे पसंद है. एंड ये मेरा वाटर प्रूफ है, वेरियंट है, तो ये मैं लोअर लैशेज के लिए स्पेशली यूज़ करती हूँ. एंड अप्लाई इट मस्कारा रियली नाइसली. इससे आईज ओपन अप हो जाती है एंड सेम आई एम जस्ट सेटिंग माई ब्राउज विद द सेम मस्कारा. नाउ आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर. आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर एंड अच्छे से आप एवरीवेयर इसे अप्लाई कर लो. यू नो द ब्रॉन्जिंग टेक्निक स्पेशल एंड आई एम सेम ब्रॉन्जर आई एम यूजिंग ऑन फॉर माई नोज कॉन्टोर एज वेल एंड स्लोली आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग नाइसली. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का blush, it is apricot blush. It is having really nice sheen and this is the dewy look, that's why I'm using this blush. And थोड़ा सा fade out है मेरे skin tone के लिए, इसलिए मैं थोड़ा और इसमें color add कर रही हूँ. You can use any coral color for this look specially. Don't use pink, use coral. It will look more, you know, subtle. And then I'm setting everything with my Kama Ayurveda spray. I use this as my setting spray. Trust me, this is best ever I got. I mean, I don't use any setting spray, I use only this. And next I started with my highlighting. I'm highlighting all my high planes like cheekbones, brow bone and my nose, my forehead, basically everywhere. This is all dewy look, guys. Use how much highlighter you can use in this look. It will look really, really nice, especially in the evenings if you go anywhere and this look, oh my god, it will attract all the audience. ये थोड़ा extra tip है, अगर mascara कहीं लग जाए तो आप spoolie की help से let it dry and then you can take it out. Now I am coming to my lips and I am lining my lips with any dark lip liner. Use any lip liner, whatever, जो भी आपके पास है. एंड उससे अच्छे से लाइन कर लीजिए लिप्स को एंड उसके बाद वील यूज़ आर लिपस्टिक. सो नोरा हैज़ यूज्ड अ ग्रेट ब्राइट लिपस्टिक. लाइक आई एम नॉट अ रेड लिपस्टिक पर्सन एक्चुअली, मेरी लिप्स काफ़ी बड़े दिखते हैं उसमें, सो आई डोंट यूज़ दिस कलर रेगुलरली. आई जस्ट हैव दिस वन बुलेट लिपस्टिक इन रेड. दिस इज़ लॉरियल पैरिस बामी कलेक्शन एंड वेरी वेरी प्रिटी कलर. एंड उसके बाद मैं लगा आप तो मोस्टली आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ यू नो लिक्विड लिपस्टिक, नॉट bullet lipstick for this look, but anything, any red lipstick will go, which will brighten the look. And here is the completed look. Thank you so much, guys.